आपका इंतज़ार जो है समाप्त हो गया है यूपी ट्रिपल एससी वीडियो यानी कि ग्राम विकास अधिकार के पुनः जो है एग्ज़ाम को लेकर। जी हाँ, 1953 पद की जो ये भर्ती थी जिसका पिछले एक साल से जो है आप वेट कर रहे, कोर्ट केस चला, परीक्षा भर्ती जो है रद्द करा दी गई, तो यहाँ का जो है पूरा नोटिस आपको मिल रहा है पूरी डिटेल से। तो आप अगर एक न्यू व्यूअर है तो चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर लेना। देखिए इसमें साफ से लिख रहा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अनुसार यूपी ट्रिपल एससी वीडियो की जो परीक्षा कराई गई थी वो जो है 30 मई 2018 को कराई गई थी और 1 जून से 29 जून 2018 तक 14 लाख आवेदकों ने जो है ऑनलाइन जो है फॉर्म भी जमा करा था और 22 से 23 दिसंबर को इनका जो है 2018 को कुल नामितिक में से 9 लाख लोगों ने ही भाग लिया था। ठीक है, 22 से 23 दिसंबर को जो है ये रहा। फिर क्या बताया कि 28 अगस्त 2019 को यानी कि रिजल्ट भी आ गया था। कब आया था? 28 अगस्त 2019 को रिजल्ट जो है आउट हो गया। फिर क्या रहा? फिर जो है ये परीक्षा जो है रद्द करा दी गई। नीचे पढ़ते हैं, नीचे बताया गया है कि पंचायत सचिव, ग्राम विकास अधिकारी और पर्यवेक्षक पदों का विज्ञापन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो 1953 पदों के लिए जिम्मेदार था उन्होंने क्या कहा कि अब जो पद बढ़ाए जाएंगे उसकी पुनः जो है परीक्षा होगी, यह सूचना जो है जारी की गई। तो इस तरह लेके जो है इस चीज़ को लेके 2018 से काफ़ी टाइम जो है आपका जो है ख़राब हुआ। ठीक है, 19, 20, 21, 22 सब जो है 23। तो अब जो है इसमें लिख रहा है कि वीडियो री एग्ज़ाम में 2023 की मेलिंग सूची दी गई है यानी कि अब 100% आपका एग्ज़ाम होगा और ये गाइस आपका एग्ज़ाम जो है ये आपका इसी में ही होगा यानी कि जून में जो है आपका तो होगा नहीं, मई में जो है आपका एग्ज़ाम हो लेगा। ठीक है, और सारा मैटर जो रहा वो यहाँ पर बताया गया कि किस वजह से जो है एग्ज़ाम जो है रद्द किया गया था और क्या हुआ। इसमें बताया गया कि इस बोर्ड को जो है 1988 के अधिनियम 7 संख्या द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित थी और किसी भी समूह पर सी पदों की सीधी भर्ती के लिए अनुमति दी गई थी। इसी संबंध में अधिसूचना इसके अलावा बोर्ड के अन्य पदों पर भी भर्ती की गई। इसके बाद 31 मई 1990 के उपरोक्त बोर्ड को भंग कर दिया गया और एक अध्यक्ष को एक आयोग में बदल दिया गया। समझ रहे हैं गाइस, बहुत लंबा है जो ये मैटर रहा आपका। मैं जो है मेन चीज़ आपको पढ़ के बता देती हूँ। इसमें लिख रहा है कि 28 दिसंबर 1997 को उपयुक्त अधिनियम के एक अध्यादेश द्वारा पलट दिया गया जिसके बाद 1998 में संख्या 5 द्वारा प्रतिस्थापित भी किया गया। चलिए ये तो रही वो जो सब चीज़ कहा गया। अब बात अगर मैं आपकी यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के री एग्ज़ाम को लेकर करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एडमिट कार्ड और ये मई में यानी कि अब आपका ये 18 मई तक आपका एग्ज़ाम 100% होगा। ठीक है, कितने सालों से आप इसके जो है लेकर जो है भटकते रहे हैं। और देखिए आपका जो वीडियो एग्ज़ाम होगा इसमें 150 के जो है प्रश्न आएंगे। ठीक है, जिसमें हिंदी ज्ञान लेखन आएगा, जनरल इंटेलिजेंस आएगा और सामान्य ज्ञान आएगा और 300 नंबर का जो है ये पेपर होने वाला है आपका, क्योंकि प्रत्येक 2 अंकों का प्रश्न होगा यानी कि एक प्रश्न जो है 2 अंकों का होगा एक पार्ट में। इस तरह जो है 3 खंड से आपसे जो है प्रश्न पूछे जाएंगे तो इसलिए आपका जो है 300 का ये पेपर होने वाला है। ये सारी डिटेल्स आपकी इसकी है जो अब तक जो है रद्द को लेकर परिणाम तक आई। ठीक है, फॉर्म भरे गए थे आपके 30 मई 2018, फिर आवेदन फॉर्म इस दिन भरे गए, प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड इस दिन निकल गए, अंतिम परीक्षा जब हुई और रिजल्ट ये रहा। और अब जो है जो होगी वो होगी मई में, 20 मई तक जो है आपकी परीक्षा हो लेगी। ठीक है ना गाइस, तो बस अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एक बार ज़रूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच दिस वीडियो।